दोस्तों, सभी फेडरर फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आई एम श्योर आप लोग ने भी ये मैच देखा होगा कि रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। रॉजर फेडरर ने मरीन सिलिक को हरा करके 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल फाइनल जीत लिया है। अब मरीन सिलिक कौन है? एक क्रोएशियन प्लेयर है। ये मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इस मैच के बाद फेडरर 20 टाइम्स, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 20 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 5 सेट तक ये मैच चला, बहुत इंटरेस्टिंग मैच। अगर आपने देखा हो, मरीन सिलिक को हरा करके 5 सेट में रॉजर फेडरर बिकम द फर्स्ट मैन, फर्स्ट मेल टेनिस प्लेयर टू अचीव दिस फीट, राइट? अब फेडरर की बात करते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में हम सबको पता है, बट फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहली बात, अगेन, फेडरर इज द फर्स्ट मैन टू विन 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, राइट? अभी तक ऐसे वुमेन प्लेयर्स ने किया है, मार्गेट कोर्ट 24, सेरिना विलियम्स 23, स्टेफी ग्राफ 22। आप देखेंगे कोई भी मेल अभी तक ये अचीव नहीं कर पाए, सिर्फ फेडरर ने किया है। और फेडरर के बाद जो दूसरे चैलेंजर है, जो उनके क्लोज हैं, वो है उनके आर्च राइवल राफेल नडाल, जिन्होंने 16 ग्रैंड स्लैम्स जीते हुए हैं, राइट? अब ये जो उनकी अचीवमेंट है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि रॉजर फेडरर ने आज तक 10% ऑफ ऑल ओपन एरा स्लैम्स जीते हैं। मतलब 10% एक इंडिविजुअल ने जीते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर फिर भी अभी भी नडाल, रॉजर फेडरर नंबर 1 नहीं है, अभी भी एटीपी रैंकिंग के हिसाब से राफेल नडाल नंबर 1 है बच्चों। अभी भी फेडरर नंबर 2 पे है, क्लोज हैं, बट फिर भी नंबर 2 पे है। बहरहाल, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। जहां ये अटकने लगाई जा रही थी कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा, उन्होंने एक और चीज अचीव करी है। रॉजर फेडरर से हमें यह सीखना चाहिए, कहां एक ब्रैशी, जब वो पहली बार खेलने आए थे तो स्टार्टिंग करियर में बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे, अपना रैकेट फेंक देते थे, बहुत बड़बोले भी थे, बट वहां से उन्होंने अपने आप को एक जेंटलमैन बनाया और आज वो वर्ल्ड के सबसे बड़े टेनिस प्लेयर उभर कर आए हैं। सो ये चीज हमें भी सीखनी चाहिए, हार्डवर्क, पेशेंस और अपने एक अच्छे कंडक्ट से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी रॉजर फेडरर के फैन है। इनफैक्ट हम पूरी टीम रॉजर फेडरर को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, एंड वी होप कि रॉजर फेडरर फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। थैंक यू।